हे गाइस, वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नरेटिव्स। आज मैं पहुंचा हूँ हेरूर नाम की जगह पे, जो उडुपी मेन सिटी से कुछ 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे हो रहा है 11th नेशनल ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप। सो देर आर अ लॉट ऑफ टीम्स कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड द विनर्स ऑफ दिस विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप एशियन लेवल। तो जो भी हो रहा है चलो जाके देखते हैं। So the events are happening in a lot of divisions, both in men's and women's category. तो अभी फिलहाल तो कोई event चल नहीं रहा है, so let's wait and capture some events. So you see the floats are placed in order to make a track out of the river. और दूर से ड्रम्स के साउंड सुनाई दे रहे हैं। दैट मीन्स द ड्रैगन बोट्स आर अप्रोचिंग। इट्स टू फार राइट नाउ, सो विल वेट फॉर इट टू कम अ लिटिल क्लोजर। Finish. I think the judges will take a decision now. Delhi coach. सर जी, अकेले सबके लिए चला लिया आपने बोट। और क्या सबके साथ। सर मैं फोटो नहीं ले रहा हूँ, मैं वीडियो ले रहा हूँ। तो आप बताओ सर, आप कौन से स्टेट से हैं सर? मैं सर हरियाणा से। हरियाणा से सर, पहला प्राइज जीत के कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत खुशी होती है कि अदर स्टेट में जाके आप अपने स्टेट का नाम रोशन करें। इससे ज़्यादा प्राउड कुछ भी नहीं सर। और बच्चे कैसे कोऑपरेट करते हैं सर प्रैक्टिस सेशंस में? बहुत बढ़िया, ये मेरी बेटियाँ हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं। आज नहीं कि मैं और मेरी मेहनत है, कोच की मेहनत यहीं पर दिखती है ग्राउंड पर कि जब बच्चा गोल्ड मेडल लेता है। बिल्कुल सर, उडुपी आके बच्चों जीत के कैसा लग रहा है? कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। So while the finishing point was there, we are at the starting point right now. और यहाँ पे पूरी भीड़ यहाँ पे है। मैं वही सोच रहा था कि भीड़ कम क्यों है, पार्टिसिपेंट सारे यहीं पे बैठे हुए हैं। एंड देखो वहाँ पे एक बोट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है एंड द अदर बोट्स येट टू स्टार्ट, सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। उसका स्टार्ट नहीं हो पाया, इसको लेकर अरे मैं लगा दूंगा। So the boats have a face designed to look like a dragon, so that is why the boat is called the Dragon Boat. और ये सीट होता है जॉकी का। मैं दूसरे बोट से दिखा रहा हूँ। तो ये सीट होता है बेसिकली जॉकी का। सो ही हैज़ टू पर्पसेस, वन इज़ टू मोटिवेट द क्रू एंड ऑल्सो टू ड्रम द साउंड हियर, बिकॉज दिस गिव्स मोटिवेशन एज वेल एज अ रिदम, कि उस बीट के हिसाब से जब रो किया जाएगा सो एवरीबडी विल बी इन अ परफेक्ट सिंक एंड द स्पीड इज़ एट इट्स मैक्सिमम व्हेन एवरीबडी रोज द सेम सिंक इन द सिंक। यहाँ पे अभी डिस्कशन चल रहा है कि ड्रम पे कौन बैठेगा, तो फिगरिंग आउट हु विल बी द ड्रमर हियर। तो चलो देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब कोई संदीप प्रोबेबल लग रहा है, नहीं फिर कोई छोटी नाम की लड़की है। द लूजिंग द टाइम, ओके। So somebody becomes a part of it finally. So the drummer is ready and the team is ready. So guys, what we saw here is the boarding point. It might not necessarily be the starting point. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कर्नाटका में ये पहली बार देखने को मिल रहा है ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं। एंड आई हैव बीन लुकिंग एंड ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ समबडी हु नोज़ अबाउट इट, तो सारे इतने बिजी है कि बहुत मुश्किल हो रहा है बात करने का। बाकी मुझे उतना आइडिया नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर द थिंग एंड देखते हैं जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है उतना। इस एंगल से अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दिस इज़ द बोर्डिंग पॉइंट एंड बोर्ड होके सीधा बोट्स वहाँ तक जाते हैं, एंड वहाँ कहीं पे है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आई थिंक अलग अलग डिस्टेंस के कैटेगरीज है, तो वहाँ से होके इट गोज़ थ्रू दिस। यहाँ पे यू कैन सी दोज फ्लोट्स डिज़ाइन टू बी द ट्रैक्स ऑन द वाटर, एंड ये है एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे प्राइस सेरेमनी हुआ था। सो दिस इज़ द होल सेटअप हियर। सो गाइज, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तक तो बाइक नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। आई हर्ड दैट द अदर साइड विल टेक यू अंटिल द स्टार्टिंग पॉइंट बाय व्हीकल, तो एक बार उधर जाके देखते हैं, लेट अस सी वो मिलता है या नहीं। सो ओके गाइज, द कन्फ्यूजन इज़ ओवर। बोर्डिंग पॉइंट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। सो आई एम एट द स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ। सो दिस इज़ वेयर द रेस स्टार्ट्स एंड द ऑफिशियल्स आर हियर। So as you can see, the boats are arriving at the starting point with their drums rolling. So there are two boats coming here and there's one more boat on its way. So the starting point is this. तो यहाँ आने के बाद जैसे start लेंगे record करेंगे इस चीज़ को। टुडे इज़ सैटरडे। मेरा काम हो गया, आई एम हेडिंग टू अनदर प्लेस नाउ। उसका व्लॉग आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट आई एम हेडिंग फ्रॉम दिस प्लेस। टुमारो इज़ संडे, द फाइनल डे ऑफ द रेस हियर। So if you guys are around and you would want to check this out, please do pay a visit. This is right under Herur Bridge. I will put the location in the description. So aake dekhna. I hope you like the vlog. Do let me know in comment section kya laga iska. Thank you so much for watching Nagendra Nayak Narratives. Stay tuned for other contents. Bye bye.